कवर्धा वासियों को केमिकल युक्त गुलाल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शहर में ही कम कीमत पर हर्बल गुलाल उपलब्ध हो गया है। दरअसल एक महिला स्व सहायता समूह हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। यह गुलाल किसी और चीज से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से ख्यात भोरम देव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए फूलों से बनाया जा रहा है। अब तक 1.5 क्विंटल गुलाल की पैकिंग हो चुकी है और उसे बाजार में बेचने के लिए भेजा जा चुका है। आमतौर पर मंदिर दिवालियों और राजनेताओं को पहनाई जाने वाली फूल माला को एक बार प्रयोग में लाकर फेंक दिया जाता है, लेकिन कवर्धा की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इन फूलों को शानदार उपयोग में लाया। उपयोगहीन माने जाने वाले इन फूलों को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पहले एकत्रित किया और उसका गुलाल बनाया जो अब बाजार में बिकने लगा है। इन महिलाओं ने फूलों से गुलाल कैसे बनाया इसका प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद ही उपयोगहीन हो चुके फूलों से गुलाल बनाया जो सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। समूह नाम जय गंगा मैया स्वयं सहायता समूह है। हम गुलाल के कायक गुलाल बना रहे हैं। पीले गोंदे से पीले गुलाल बनते हैं और गुलाबी गोंदे लाल पालक फूल कहाँ से ला रहे हैं हम लोग फूल भोरम देव से ला रहे हैं। हम लोगों को समझ में आया कि गुलाल बनाना चाहिए, इसलिए हम लोग हर्बल गुलाल बना रहे हैं। लोग अभी 15 दिन से काम कर रहे हैं और 7 सदस्य बना रहे हैं। हरा गुलाल पालक भाजी और नीम के पत्ते से बना रहे हैं। पीला गुलाब पीले गेंदे और हल्दी से बना रहे हैं और गुलाबी गुलाल हम लोग लाभ हो रहे हैं। आज के दिन में 4 तारीख को हमने इसको विधिवत रूप से लॉन्च करवाया है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जिला पंचायत के कार्यालय में। इसके अलावा जो कवर्धा शहर में जो क्राफ्ट्स मेला जो चल रही है वहाँ पे भी एक स्टॉल लगाया गया है और सुमित बाज़ार जो सबसे बड़ा मार्ट है कवर्धा शहर का वहाँ पे भी इसकी बिक्री का चल रहा है। कवर्धा जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर पर भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रदेश भर के लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और फूल मालाएं अर्पित करते हैं। इससे काफी मात्रा में फूल एकत्रित हो जाते हैं। इन महिलाओं ने जिले के तमाम मंदिरों से इन फूलों को एकत्र करना शुरू किया और इसका बेहतर उपयोग भी कर लिया। बहरहाल केमिकल युक्त रंग गुलाल से कहीं बेहतर है कि लोग इस हर्बल गुलाल से होली खेलें और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएं। ग्रैन्यूज के लिए कवर्धा से दीपक तंबोली की रिपोर्ट।